बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में ये सब्जेक्ट है हमारा हिंदी क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे सब क्या पढ़ेंगे, हमने वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़ी और स्वर व्यंजन पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इन वर्णों से बनने वाले शब्द। तो आपने देखा होगा कि शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं शब्द? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। इसलिए देखिए, जैसे का, मा और ला, जब हम तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा? का, तो एक शब्द बनेगा कमल, जिसका अर्थ होता है पुष्प या किसी का नाम। पर कमल से हम क्या समझते हैं? एक फूल का। अगर हम वर्णों को उल्टा कर दें, जैसे ल, म, क, तो क्या हो जाएगा? ये लमक। देखिए, इसका नहीं निकलता तो ये एक शब्द नहीं है, ये शब्द है। ठीक है, जिसका जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, या इसको हम सार्थक शब्द भी कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन? शब्द। क्या होते हैं शब्द? देखिए, वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिसका कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, जैसे उदाहरण इसमें हम लिख लेंगे, क, ल, श, क्या हो गया? कलश। ये शब्द है, जैसे प, ल, और पलक। अब देखिए, ये हमने दो शब्द इससे बनाए। शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द के प्रकार। कौन कौन से शब्द होते हैं? नंबर एक, नंबर दो, सार्थक शब्द और इसके विपरीत दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कि कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं हम निरर्थक शब्द। जैसे सार्थक शब्द में, जैसे लड़की, लड़की से हम किसी लड़की के विषय में सोचते हैं, या ताजमहल,
उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हुआ, हुआ क्या होता, कोई चीज नहीं है। जब था, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगला शब्द है जमे, ठीक है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए हम इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। इन्हें हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे ध्वनि बोधक शब्द। आपने कई प्रकार की ध्वनियां सुनी होंगी, ध्वनि बोधक शब्द। ध्वनि बोधक शब्द, देखिए ध्वनि बोधक शब्द में कौन से शब्द आते हैं? कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें हम प्रतिदिन सुनते हैं, जैसे घंटी की आवाज़, कुत्ते के बोलने की आवाज़, गाय की आवाज़, या फिर चूड़ी के खनकने की आवाज़। यहाँ मैं आपको बहुत सारी आवाज़ों के विषय में बताऊंगी, जिनमें आपको नाम लिखना है कि ये किसकी आवाज़ है। देखिए बहुत सारी ध्वनियाँ जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। ध्वनि, ध्वनि पढ़कर वस्तु का नाम लिखिए, ठीक है। क्या आपने ये ध्वनि सुनी है? या हम घर में प्रतिदिन सुनते हैं, जैसे नंबर एक पर गरजना। गरजने की ध्वनि कौन करता है? बादल, ठीक है। नंबर दो पर देखिए खनकना, कौन खनकता है? पैसा। नंबर तीन पर देखिए करके ध्वनि किस चीज की है आपको लिखना है।